एक ये प्रॉब्लम है, एनालिसिस ऑफ प्लेन फ्रेम विद बीम स्पैन लोड स्टैटिक ग्रेविटी लोड एनालिसिस। केवल एनालिसिस करना है, डिजाइन नहीं करना है इसमें। सेकंड प्रॉब्लम है आपकी ये, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इस टाइप के स्ट्रक्चर को, ट्रस्ट हाँ, तो ट्रस इसमें कैसे बनाएंगे? इसमें नई चीज क्या है कि यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसे बनाएंगे? और ट्रस को एनालिसिस कैसे करेंगे? ट्रस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर मोमेंट जनरेट नहीं होती, केवल एक्सियल फोर्स जनरेट होता है ना? तो ये प्रॉपर्टी हम इसको कैसे देंगे? ऊपर से हम इंक्लाइंड एंगल कैसे बनाएंगे? दो चीज नहीं है इसमें, पहले ऊपर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक प्लेन फ्रेम है जिसपे यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है, जो सेम इंटेंसिटी का है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि लोड लग जाएगा दोनों बीम पर, दो बीम है। फिर दो मेंबर लोड लगे हुए हैं 10 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन के, दो नोडल लोड लगे हुए हैं 10 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन के, ठीक है। और आपका कॉलम है इसमें तीन, जिनका साइज है 400 बाय 400 mm और M25 ग्रेड, और जो बीम है दोनों उनका साइज है 400 बाय 300 mm M25 ग्रेड। अगर साइज लिखा हुआ है 400 बाय 300 mm तो 400 आपका डेप्थ है, ठीक है। वैसे इसमें गलत लिखा हुआ है, हमेशा डेप्थ बाद में लिखते हैं, पहले छोटी डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो इजी है, सपोर्ट लगी हुई है फिक्स, हाइट है 5 मीटर और विड्थ लेंथ स्पैनिंग है बीम की 6 मीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। हमेशा मैं जो ट्राई करता हूँ बनाने का, मैं इस तरह से करता हूँ कि एक नोड बनाऊँ। बहुत सारे तरीके आप बना सकते हो, एक नोड बनाया, नोड कर्सर से इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल यूज किया, ठीक है। और ये पहले कॉलम बना लेता हूँ मैं 6 मीटर का, लिंक, ओके। अब इस मेंबर को मैं सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसलेट करूंगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है और मुझे बनाना कैसा है, ऐसे ऐसे। तो एक स्टेप, दो स्टेप, और मैं करूंगा ओपन बेस, क्योंकि मुझे यहां पर बीम नहीं चाहिए। तो मैं जाता हूं ट्रांसलेट रिपीट टूल, एक्स डायरेक्शन में ये है आपका, मैंने ये 5-6 मीटर का बना दिया कॉलम, जबकि ये 5 मीटर का है। कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये देख रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, इसको 5 कर दूंगा, बस ये हो गया 5 मीटर का, मेजर करके देख सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल, एक्स डायरेक्शन में 2 स्टेप 6 मीटर, लिंक, ओपन बेस, ठीक है, ओपन बेस करना है, ओके, ये बन गया। इसको फ्रंट व्यू में ले लेंगे, जनरल सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट लगी है, फिक्स, ऐड, फिक्स पर क्लिक किया, ड्रैग करके तीनों जॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरा माउस का कर्सर ऑटोमेटिक कर्सर बन जाता है, नोड कर्सर, इसलिए मेरे को डायरेक्टली मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिए तीनों नोड, और असाइन टू सिलेक्टेड नोड ऑप्शन सिलेक्ट किया और असाइन पे क्लिक किया, फिक्स सपोर्ट लग गई। नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर ही आपका आता है प्रॉपर्टी, यहाँ पे मुझे दो प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी रेक्टेंगुलर, एक तो है हमारी कॉलम की 400 बाय 400, सॉरी 0.4 बाय 0.4 कंक्रीट मटेरियल ऐड, एक क्या है जिसमें 0.4 बाय 0.3 400 बाय 300 बीम के लिए ऐड। दोनों प्रॉपर्टी ऐड हो गई, पर ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ये देनी है मेरे को केवल कॉलम को, ठीक है। तो मैंने कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तीन कॉलम है तो इजीली सर्कुलर भी सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या, सर्कुलर सर्कुलर कॉलम, ऐसे अगर नहीं सर्कुलर गिवन कर होता सकते, तो सर्कुलर करते हैं ना, क्या कह रहे हो, अगर गिवन नहीं होता 400 बाय 400 तो सर्कुलर ही करते हैं ना। नहीं ऐसा नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो ऐसा तो होगा ही नहीं, गिवन नहीं है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली चलो, आप इसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से मत चलो या हम ट्रेनिंग के हिसाब से, प्रैक्टिकली क्या होता है, आर्किटेक्चर आपको मैप बनाता है, फिर आप क्या करते हो, कॉलम का साइज आप मिनिमम लेके चलते हो, ठीक है। अब मिनिमम में 230 mm
तो हो गया सर्कुलर का डाया, और अगर रेक्टेंगुलर लेते हो तो 230 बाय 230। अब मैंने कहा कि आपको एज्यूम करके चलना है पहला, उसके बाद एनालिसिस करना है, जब तक वो पास नहीं होता जब तक साइज बढ़ाते जाना है। लेकिन अब पहले आप कौन सा एज्यूम करके चलोगे, सर्कुलर एज्यूम करोगे कि रेक्टेंगुलर? ये आर्किटेक्चर पे देता है, ठीक है। सर्कुलर कॉलम केवल वहां बनाए जाते हैं जहां स्पेस की वजह से कुछ देखने में अच्छे लगे, और कुछ है आपका है, क्या कहते हैं, जो अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, स्पाइरल आपको वो देनी है, क्या कहते हैं, स्ट्रिप, स्पाइरल स्ट्रिप देने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉलम की बढ़ जाती है। तो दो तीन कंडीशन है जहां पे सर्कुलर दिया जाता है, देखने में अच्छा लगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हाइट ज्यादा रखनी है, ठीक है। जहां पर तो आप देखोगे जो कुछ घर ऐसे होते हैं जिनका सेकंड फ्लोर का ब्रांडस टाइप का निकला होता है, फिर वो सर्कुलर पिलर होते हैं ऐसे, जैसे कि आप अपने कॉलेज में देखोगे, है ना, हमारे सिविल वाले डिपार्टमेंट में सर्कुलर कॉलम है कॉरिडोर वाले, ठीक है, उनकी हाइट ज्यादा है, ओपनिंग है उनमें और वॉल नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, आर्किटेक्चर पे, इन सब चीजों पे, पर जहां मैक्सिमम केस में आपको रेक्टेंगुलर ही कॉलम मिलेंगे। ओके सर, तो मैं अब इन तीनों को, अब इन तीनों को ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं मैं इजिली ऐसे, और इसको असाइन कर दूंगा तो प्रॉपर्टी इन पे चली जाएगी। देखो R1 लिखा आ रहा है सब पे। अब बीम को देनी है तो मैं बीम को सिलेक्ट कर लूंगा एक ड्रैग करके, और बीम वाली प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा और असाइन कर दूंगा, R2 आ जाएगा। अब इसको जरा 3D में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज, नई चीज है, ये जो इसके कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं 3D में, कॉर्नर देखो, क्या आपके एक्चुअल बिल्डिंग में कॉर्नर ऐसे निकले होते हैं? नो सर, नो। लेकिन स्टैट प्रो में क्योंकि हर चीज ये सेंटर टू सेंटर लेता है, तो ये जो कॉलम सपोर्ट कर रहा है इसके सेंटर से, अगर मैंने ये साइज कितना दिया है इसकी, अगर ये मैंने दिया है 400, तो 200 mm है ये। लेकिन जब ये डिजाइन करने के बाद जब ये कास्ट होगा फील्ड में, तब ऐसा नहीं होगा, तब यहां पर भी फिलिंग होगी, ठीक है। तो स्टैट प्रो में क्योंकि सेंटर टू सेंटर सपोर्ट दिखाता है, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको स्टैट प्रो में भी ठीक करना चाहते हो तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। स्टैट प्रो में ये कॉलम कॉर्नर ठीक करना है तो आपको बस ये याद रखना है कि ये डायरेक्शन है एक्स पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है एक्स नेगेटिव, और इस वाले कॉलम को एक्सटेंड करना है एक्स नेगेटिव में कितना, 200 mm, क्योंकि 400 mm का कॉलम है, 200 mm पे सपोर्ट है, 200 mm और स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी देख लो इसमें कैसे करते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको एक्स वाई जेड, अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वाला जो बीम है इस पे माउस को रख के इसका एंड स्टार्ट पॉइंट को स्ट्रेच करना है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, इसको स्ट्रेच करना है माइनस एक्स में 200 mm, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है इस वाले एंड में, यहाँ पे क्या है, यहाँ एंड पॉइंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है 200 mm। ये डाटा आपको पता होगा तो आप कर लोगे, इसको लिखा रहने देता हूं मैं। आपको कहाँ जाना है, या प्रॉपर्टी के नीचे एक और बटन है स्पेसिफिकेशन, SPEC, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो कुछ टैब आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है, बीम पे दूसरी साइड चले जाना है, फिर यहाँ स्पेसिफिकेशन में क्लिक करके यहाँ आ जाना है, यहाँ पे बीम पे क्लिक करना है, यहाँ बीम पे क्लिक करने पर एक विंडो खुलती है, इसमें जाना है ऑफसेट, ऑफसेट टैब, ऑफसेट टैब के बाद, ये ऑफसेट टैब है आपका, ऑफसेट टैब के बाद यहाँ पे हमें इस वाले के लिए क्या सिलेक्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट, और यहाँ पे वैल्यू कितनी डालनी है एक्स में, -0.2, माइनस इसलिए क्योंकि माइनस एक्स में जा रहा है, और इसको ऐड कर लूंगा इस वाले पॉइंट के लिए, ये प्रॉपर्टी हो गई इस वाले पॉइंट के लिए, स्टार्ट पॉइंट माइनस एक्स में 200 mm, ठीक है। मैं इसको ऐड करता हूँ, फिर दोबारा से ऐड करूंगा, ऑफसेट में जाऊंगा, अब इस वाले के लिए क्या है, एंड पॉइंट प्लस 200, और इसको ऐड कर लूंगा, दो प्रॉपर्टी आ गई। इसको अप्लाई करना है इस वाले बीम पे, एक मिनट, पहली प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना है
इस वाले बीम पे और दूसरी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है इस वाले बीम पे, फिर 3D में हम इसको चेक करेंगे। अप्लाई, दूसरी प्रॉपर्टी, अप्लाई। लाइन डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बीम फ्रेम से बाहर निकलेगा, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा बीम फ्रेम से बाहर निकलेगा, पर ऐसा नहीं है। अब इसको 3D में देखते हैं हम, तो आप देखोगे कॉर्नर हमारे बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कंसल्टेंसी है, कंपनियां हैं, वहां पे जब आप प्रोजेक्ट करोगे, कोई काम करोगे, तब ये सब करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च पर्पस से है ये, है ना, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हो गई, सपोर्ट हो गई, मॉडलिंग बन गई। अब लोड, क्योंकि लोड डिफाइन नहीं किया हुआ इसमें किस टाइप का है, तो हम डेड ही एज्यूम करेंगे। जब एक प्रॉपर बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तब आपको इनका कॉन्सेप्ट डेड लाइफ का क्लियर हो जाएगा। डेड के अंदर एक यूडीएल लगा हुआ है, कितने किलो न्यूटन का यूडीएल एच है। मेंबर लोड के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स -6, D1, D2, D3 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फुल मेंबर पे लग रहा है। फिर हमारा कंसंट्रेटेड फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, D1, D2 की इसमें भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेंटर में लग रहा है। फिर हमारा नोडल लोड लग रहा है -10 का, तो तीन लोड लग रहे हैं केवल, तीनों मैंने ऐड कर लिए। फर्स्ट वाला क्या है, सारे मेंबर पर, इस पर भी, इस पर भी। सेकंड वाला क्या है, सेंटर में। थर्ड वाला क्या है, यहाँ पे जॉइंट पे और यहाँ पे, ठीक है। अब इनके एरो ठीक करते हैं। यहाँ पे मैं गया स्केल, अप्लाई इमीडिएटली, पॉइंट फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया, ठीक है। पॉइंट फोर्स की वैल्यू को बढ़ाने पे हमारा जो है इसका कर्सर छोटा हो रहा है, पर यूडीएल के कर्सर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी अलग है ना, इसीलिए वो लोड भी अलग टाइप का है। अगर एक और हमारा पॉइंट लोड लग रहा होता तो उसके कर्सर पे इफेक्ट पड़ता, अलग इंटेंसिटी का होता, ठीक है। शिफ्ट वी, लोड वैल्यू आ गई। तो ये हो चुका है। यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम। यहाँ पे आता है आपका लेबल, लेबल में मैं चाहता हूँ इसमें आ जाए प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में सेक्शन, ओके करूँगा तो सेक्शन भी लिखा आ जाएगा, ठीक है। 400x400, 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 400x300, 400x300, ये प्रॉपर हो गया है हमारा। अब इसको हम प्रिंट, एनालिसिस एंड प्रिंट, ओके, और एनालिसिस कर देते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जो डेड लोड, लाइव लोड है, स्टैटिक लोड है, और इन लोड की वजह से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसको स्टैटिक लोड या फिर ग्रेविटी लोड कहा जाता है, क्योंकि इन लोड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, जितने भी लोड लग रहे हैं इसके ऊपर, सेल्फ वेट हो, यूडीएल हो, पॉइंट लोड हो, इन सब की डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन में होती है, इसलिए इनको ग्रेविटी लोड भी कहा जाता है और या फिर स्टैटिक लोड कहा जाता है। लेकिन जो विंड लोड है उनकी डायरेक्शन तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं होती, अर्थक्वेक की भी नहीं होती, है ना, इसलिए और वो टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए उनको डायनामिक लोड कहा जाता है। डन। अब बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं एक बार इसका। ये रहा आपका शियर फोर्स, ये रहा। अब देखो शियर फोर्स में, यहां देखो ये जो इंक्लाइन आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इंक्लाइन आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैट प्रो नहीं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, क्यों ऐसा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन शियर फोर्स रिजल्ट अगर स्क्रीन पे देखोगे तो सही नहीं दिखाता, डबल क्लिक करके है आपको शियर फोर्स का रिजल्ट सही मिलेगा। ये देखो अंतर देख लो दोनों में, शियर फोर्स डायग्राम में। यहाँ पे आपका देखो किस तरीके से ये बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पे किस तरीके से है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो और डिफ्लेक्शन और चेक कर लेते हैं। ये रहा, तो ये स्टैटिक एनालिसिस था ड्यू टू ग्रेविटी लोड, इसमें इतना ही था। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर वरना हम सेकंड वाली प्रॉब्लम में चलते हैं। क्या कह रहा, फाइंड द कंप्रेशन टेंशन फोर्स इन ईच मेंबर। है किसी को कोई डाउट फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में?
सेकंड वाली प्रॉब्लम में चलते हैं। ये है आपका ट्रस जिसके एक पॉइंट पे लगी हुई है आपका रोपिन सपोर्ट, दूसरे पे लगी है रोलर सपोर्ट और इसके सभी जगह लगाई हुई है नोडल लोड। एक लोड यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये मिट गया है 800 न्यूटन का। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा, बस ये है कि किस तरह से इसकी मॉडलिंग करें, मॉडलिंग इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो टोटल जो लेंथ है इसके स्पैन की, पूरे स्पैन की अगर देखें 9 मीटर है, वैसे तीन स्पैन है तीन तीन मीटर की। ठीक है, और इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है, हाइट गिवन होती तो बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, हाइट गिवन नहीं है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है। तो 9 मीटर का स्पैन है चलो, और 30 डिग्री के एंगल है। फर्स्ट जो स्पैन है बेस वाला वो 9 मीटर का है, तीन तीन मीटर के तीन स्पैन। तो मैं अभी 9 मीटर का एक ही स्पैन बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ बताऊंगा, तीन तीन मीटर के नहीं बना रहा मैं। बाद में इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट नोड। नोड मैंने बताया था आपको कैसे नोड इंसर्ट करते हैं, जॉइंट इंसर्ट करते हैं, तो मैं जॉइंट इंसर्ट कर दूंगा कहाँ पे, तीन तीन मीटर पे, है ना, ऐसे। लेकिन अभी मेरे को क्योंकि एक ऐसे मेंबर बनाना है, एक ऐसे मेंबर बनाना है जिनका एंगल होना चाहिए 30 डिग्री, तो मैं इसके लिए क्या ट्रिक अपनाऊंगा, इसमें डायरेक्टली एंगल के लिए कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस मेंबर को रोटेट करूंगा, किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट रोटेट करूंगा, और कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, ऐसे। ये 30 डिग्री, ठीक है, पर इस मेंबर को इस तरह से रोटेट करने के लिए मुझे लाइन चाहिए, एक्सिस लाइन ये वाली, तो ये मैं एक बनाऊंगा बाद में डिलीट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहां पर एक बनाऊंगा और इसको दोबारा रोटेट करूंगा 30 डिग्री पे, रोटेशन जो मैंने बताया था इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी, तो करते हैं इसको। नोट कर्सर से मैंने क्या किया, ये वाला नोट सिलेक्ट किया और ये वाला भी। ठीक है, अभी एक ही करते हैं और इसको ट्रांसलेट रिपीट टूल से जेड डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, जेड है। कोई भी किसी भी लेंथ का एक मेंबर ले लो, हमें तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस लाइन। अब मैंने इस मेंबर को सिलेक्ट किया जिसको रोटेट करना है, ये रोटेशन टूल पे क्लिक किया, ये रोटेशन टूल है। ये दो येलो कर्सर है, ये मांग रहे हैं हमारे एक्सिस, कौन से एक्सिस के अबाउट आपका सिलेक्टेड बीम रोटेट होगा। तो ये फर्स्ट नोड और ये दूसरे कर्सर से सेकेंड नोड, यहाँ पे नोड टू और नोड थ्री आ गया, और कितना एंगल, माइनस 30 डिग्री ऊपर की ओर जाएगा, तो माइनस 30 डिग्री। कॉपी करूंगा मैं, मूव करूंगा तो यही वाला मेंबर रोटेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये वाला भी यहीं पर रहे और एक और नया मेंबर बन जाए, तो मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा, ओके करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये हो गया, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से मैं एक नोड कर्सर ये लेता हूँ, ट्रांसलेट रिपीट टूल, जेड डायरेक्शन, लिंक, ओके। ठीक है, इस मेंबर को सिलेक्ट करता हूँ, रोटेशन टूल, येलो कर्सर से एक नोड ये, दूसरा नोड ये, माइनस 30, उस वाले में 30 था, माइनस 30 तो उसमें 30 होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, कॉपी, ओके, ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रंट व्यू से सीधा कर देता हूँ। तो ट्रस का टाइप का तो कुछ कुछ बन गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं हमारे पास, इनको कैसे हम हटाएं, अगर इनको डिलीट करता हूं तो पूरे हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, इंसर्ट नोड। अगर मैं यहां पे जॉइंट लगाता हूं इस मेंबर को सिलेक्ट करके, फिर इस सेक को सिलेक्ट करके, तो जॉइंट तो बन जाएंगे दो, लेकिन ये आपस में जॉइंट नहीं होगा, इनके आपस में फिक्स कनेक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए हमें इंटरसेक्ट एक ऑप्शन आता है, वो करना होगा। तो मैं दोनों मेंबर को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे जाऊंगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वाले ऑप्शन में यहाँ पे आता है इंटरसेक्ट, इस पे माउस ले जाऊंगा, फिर आता है इंटरसेक्ट। इससे क्या होगा, इस ऑप्शन से इन दोनों, ये दोनों मेंबर जहां पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जॉइंट बन जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ, ज्योमेट्री के अंदर इंटरसेक्ट, ओके, टॉलरेंस जीरो रहेगा, ओके। अब देखो ये बन चुका, अब इनको आप डिलीट कर सकते हो।
ये हमारा ट्रस बन गया। अब इसमें कितने जॉइंट है? दो जॉइंट, तो राइट क्लिक इंसर्ट नोड, एन इजक्वल टू टू क्योंकि दो नोड लगाने हैं, और ओके तीन तीन मीटर पे ही लगेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे लगने हैं, ये देखा। और यहां पे अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे तो यहां सेंटर में नोड है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक इंसर्ट नोड एड मिड पॉइंट, ओके ये लग गया। और ये मैंने बताया था आपको एड बीम वाला बटन, इस पर क्लिक करके आप जॉइंट टू जॉइंट मेंबर बना सकते हो। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका ट्रस प्रॉपर्टी। कोई बता सकता है आपने ट्रस स्ट्रक्चर कहां पर देखे हैं? सर रेलवे ब्रिज। ज्यादातर किस मटेरियल के होते हैं? सर आयरन के। आयरन के होते हैं, और इनका जो सेक्शन होता है ना वो होता है एंगल। एंगल सेक्शन कैसा होता है? इस तरीके का, जो आप ये देखते हो ना टावर, ट्रांसमिशन टावर, बिजली के तार जो ले आता है, यहाँ भी ट्रस होता है पूरा, है ना। ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज। ट्रांसमिशन टावर मेंबर, ये भी ट्रस का बना होता है, और इसमें भी यही एंगल टाइप के एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एंगल टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है? पहली बात, ये ट्रस से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मैंने बताया ट्रस के अंदर बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, और हमारे मटेरियल की जो थिकनेस होती है, डेप्थ होती है, ज्यादा मटेरियल लगता है बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए। अगर बेंडिंग मोमेंट ही कम हो, जीरो होगा, तो मटेरियल कम लगेगा, है ना। तो देख रहे हो आप मेंबर कितने पतले होते, ट्रस में हमेशा मेंबर बहुत पतले पतले होते हैं, मोटे मोटे हैवी हैवी नहीं होते, क्योंकि उसमें मेंबर में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। अब बेंडिंग मोमेंट जीरो केवल एक्सियल फोर्स होता है, और जो स्टील है उसमें एक्सियल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, तो पतले पतले मेंबर ही काम कर जाते हैं। इसलिए हम ट्रस स्ट्रक्चर यूज करते हैं बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जहाँ केवल हमें किसी चीज को सहारा देना है, ठीक है। इसमें रह तो नहीं सकते, रहने के लिए तो नहीं बना सकते इस टावर में, ये केवल तार को रोकने के लिए है वहां पे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करने के। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए ट्रस सबसे बेटर है, और इसमें से हवा भी पास हो जाती है आसपास, तो हवा का इफेक्ट भी कम हो जाता है, और ये हल्का भी होता है, तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो अब ये कैसे दें? अच्छा दोबारा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, आरसीसी जो डिजाइनिंग है और स्टील डिजाइनिंग है, इसमें क्या फर्क है? एक छोटा सा फर्क बताता हूँ बस, मटेरियल का फर्क तो है ही। आपको किसी लोड के लिए, कोई लोड है पी, इसके लिए कोई बीम डिजाइन करना है, तो बीम में क्या क्या डिजाइन करोगे? कि मटेरियल तो आरसीसी है, लेकिन उसका साइज क्या होगा बीम का, है ना। ये तो आप पता करते हो कि हम बीम का साइज क्या रखें, उसके अंदर स्टील को कितना डालें, कितने बार डालेंगे, ये होता है आरसीसी में। बट स्टील में ऐसा नहीं होता, स्टील में ऐसा होता है कि आपने पी लोड को रेसिस्ट करने के लिए आपको कौन सी शेप वाला सेक्शन आपको और कितने साइज का फैक्ट्री से मंगवाना है। ये जो स्टील मेंबर होते हैं, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, ये सब फैक्ट्री में बनते हैं, बस आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग मंगाने होते हैं, और नट बोल्ट से वेल्डिंग से उनको ज्वाइन करना होता है। तो क्योंकि हमें पता है कि ट्रस जो है हमारा, उसका मेंबर इस तरीके का होगा, लेकिन ये इसकी थिकनेस कितनी होगी और इसकी लेंथ कितनी होगी, किस साइज का एंगल मंगवाना है, फैक्ट्री में हमें ऑर्डर देना होगा, ठीक है। इन दोनों में, इसमें बनता है बीम, इसमें हम फैक्ट्री से मंगाते हैं बीम को, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। तो हम ये वाला सेक्शन आप कहाँ से देंगे वो मैं बता देता हूँ।
तो मैं बताता हूँ स्टेट प्रो में ये सेक्शन कहाँ से आएगा। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम जनरल में जाके प्रॉपर्टी में जाके डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम दे रहे थे। अभी यहाँ पे और भी चीज़ें दी हैं, सब बाद में समझाऊंगा मैं, लेकिन बना बनाया सेक्शन हम कहाँ से लें, तो इसी के बगल में डिफाइन के बगल में सेक्शन डाटाबेस, ये रहा। इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में कंट्रीज के नाम है, कौन सी कंट्री के लिए चाहिए, तो इंडिया, और इंडिया में एंगल, और ये है आपके एंगल के साइज। तो बड़ा सा एंगल मैं ले लेता हूँ जो थोड़ी सी उसकी शेप आप देख सको। ऐड कर लिया क्लोज और इसको असाइन टू व्यू, ठीक है। अब इसको 3D में देख लेते हैं, ये देखो ये एंगल्स हैं एल शेप में, ठीक है। अब आती है लोड की बारी, तो लोड इसमें क्या है आपका 800 800 1000 1000 12 10, ठीक है, नोडल लोड। इसको अभी हम डेड लोड एज्यूम करते हैं, एड डेड, डेड पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे नोडल लोड माइनस, क्योंकि वहां पे है 1000 न्यूटन तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन होगा, माइनस यानी डाउनवर्ड, और 1.121 एड माइनस लगा के जो भी वैल्यू है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, -0.8 वहां पे न्यूटन में हम या किलोमीटर में डाल रहे हैं, ठीक है। असाइन ये आपकी यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पर जो है ना एंड पॉइंट पे जो आपका फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 800, पर मैंने गलती से लगा दिया है 1, तो कोई बात नहीं, वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, या उसको हटा सकते हो आप। कैसे हटाओगे, लोड पे क्लिक करा और यहाँ पे है टॉगल लोड, जिस लोड को जो लोड लग गया है गलती से उस पर क्लिक करा, यहाँ पे है टॉगल लोड, इस पर क्लिक किया और असाइन किया यूज कर्सर, और दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो ये हट जाएंगे, और मैं 0.8 वाले को लगा देता हूँ, ठीक है। एक 0.8 वाला आपका यहाँ पे लग रहा है। इनके अब मैं कर्सर के एरो ठीक कर लेता हूँ, और अब सपोर्ट लगा देता हूँ। देखो मैं सपोर्ट बाद में लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक पिन सपोर्ट है, एक है आपकी फिक्स बट पिन यानी कि रोलर सपोर्ट, तो ये हो गया आपका ट्रस स्ट्रक्चर। बट अभी भी इसमें एक कमी है, ये ट्रस की जैसे मैंने बताया ट्रस में बेंडिंग मोमेंट 0 होती है, तो ये बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा अभी, ये ट्रस की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ट्रस की तरह ये बिहेव करे तो उसके लिए एक ऑप्शन और आपको चेक करना होता है, आपको जाना है स्पेसिफिकेशन में जहाँ से हमने ऑफसेट किया था, और यहाँ पे जाना है बीम, और यहाँ पे जाना है ट्रस, बस इसको ऐड कर देना है और इसको पूरे स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देना है, बस। अब आप एनालिसिस एंड प्रिंट और एनालिसिस कर दो, डन। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेयर में बेंडिंग मोमेंट चेक करने की कोशिश, सॉरी, बेंडिंग मोमेंट चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रस है। और यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, डबल क्लिक वाले में नहीं दिखाएगा, बहुत हल्का दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, FX, ये, ठीक है। इसमें जो ब्लू वाला है वो टेंशन है, और जो ग्रे वाला है वो कंप्रेशन है। इनकी वैल्यू के लिए हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग, इसको बड़ा कर लेते हैं, FX को ऑन करते हैं, ट्रस में केवल कंप्रेशन और टेंशन हम निकालते हैं, रिजल्ट व्यू वैल्यू बीम रिजल्ट एक्सियल फोर्स एनोटेट, ठीक है। सॉरी, ये नेगेटिव वाली कंप्रेशन है, पॉजिटिव वाली आपकी टेंशन है। तो यही हमें इसमें निकालना था कि कौन कौन से मेंबर में टेंशन आ रहा है, कौन कौन से मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है। तो ये था आपका ट्रस स्ट्रक्चर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर, नो सर। इसके बाद में एक ट्रस स्ट्रक्चर दूंगा आपको बनाने का, वो बनाना है आपको। इसमें जो एक ही पेज पे हम दो डायग्राम बना सकते हैं, एक ही वर्क स्पेस पे दो
बना लोगे आप? बना भी सकते हो, जैसे कि मैं इसको ही बना के दिखाता हूँ। पता एनालिसिस के टाइम तो एक का ही होगा ना? नहीं, दोनों का होगा, दोनों का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, हो जाएगा, दोनों का एनालिसिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, करके देख लेते हैं ऐसा है तो। देखो मैं एक ऊपर बीम बना रहा हूँ, ठीक है, एक बार ही मैंने करके देखा था, मैंने ज्यादा इस पर रिसर्च भी नहीं की है क्योंकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी मैं यहीं पे अभी आपको करके दिखा देता हूँ। और प्रॉपर्टी यही दे देता हूँ मैं इसको, और लॉट भी मैं इसको इनमें से ही कोई एक दे देता हूँ, लॉट एक ले लेता हूँ नया। ये हो गया, अब इसको एनालिसिस एंड प्रिंट, एनालिसिस डन। देखो दोनों का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, अच्छा अब यहां भी एक चीज और देख लो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, डायग्राम, लोड की बात नहीं कर रहे, डायग्राम का। और कंट्रोल दबा के जो मैंने स्क्रॉल बताया हुआ है छोटा बड़ा करने का, उस वो भी काम नहीं कर रहा है इसमें ज्यादा, ठीक है। तो मैं स्केल में जाऊंगा और यहाँ पे स्केल में डायग्राम का भी दिया हुआ है, अप्लाई इमिडिएटली बेंडिंग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, मैंने जेड वाले बेंडिंग मोमेंट ली है, तो इसको अभी हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है वैसे, आज तक मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं कंसल्टेंसी में काम किया, ऐसा होता नहीं है कि दो हम एक साथ कर रहे हैं, हमेशा अलग अलग डिजाइन होते हैं। ओके अच्छा ये बताओ मेरे को, आज क्या है, फ्राइडे, सैटरडे को कोई क्लास व्लास होती है आपकी कल? नो सर। मेरे को एक क्विज लेना था छोटा सा, 10 नंबर का, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होंगे स्टैट प्रो से रिलेटेड, जो अभी तक पढ़ाया उससे रिलेटेड। तो कल की टाइमिंग क्या रखूं, केवल क्विज क्विज के लिए यही 2:30 से रख दूं या कोई और टाइमिंग बताओ? तो दोपहर में रख सर दीजिए, यही रख आफ्टरनून। दीजिए। यही रख देता हूँ, 10 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, 10 या 15 मिनट का टेस्ट होगा, 2:30 बजे से 3 बजे तक का, आधे घंटे का टाइम, ठीक है। सर कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसमें, क्वेश्चन नहीं नहीं दो। कुछ नहीं बनाना उसमें, बस मैं आपसे इसी के बारे में पूछूंगा टेक्निकली, कि भाई हम स्केल कैसे करते हैं, चार ऑप्शन है ऐसे, चार ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ओके सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना क्लास को यहीं करते हैं अभी, ठीक। यस सर। सर एक प्रॉब्लम हाँ बताओ। सर, मेरा स्टैट प्रो का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर दिखा रहा है। एक प्रियंका और है उसका भी दिखा रहा है, तुम्हारा विंडो कौन सी है? विंडोज 10। हाँ विंडोज 10। Windows 10 है, वैसे ही क्या था जैसे मैंने बताया था पहले? यस सर। सर मेरा भी दिखा रहा है।